Wild Fairy Tales. जब उस सुंदर लड़की ने देखा कि कोई कुएं में मदद के लिए पुकार रहा है तो वो वहां से चली क्यों गई? क्या हुआ जानने के लिए आइए देखते हैं वो फेरी टेल्स की आज की कहानी। एक बार की बात है, मार्गेट और स्कारलेट नाम की दो सौतेली बहनें थीं जो एक छोटे से घर में एक साथ रहती थीं। उनके पिता दुर्भाग्य से बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। स्कारलेट तब से अपनी सौतेली माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। उसकी छोटी बहन मार्गरेट को उसकी सौतेली माँ बहुत लाड़ प्यार करती थी और उसे कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके विपरीत स्कारलेट को सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करना पड़ता था। कड़ी मेहनत करने के कारण स्कारलेट बदसूरत हो गई। इसके विपरीत मार्गरेट सारा दिन आराम से आईने के सामने अपने बालों में कंघी करने में बिताती थी, इसीलिए वो बेहद खूबसूरत थी। उस दिन स्कारलेट बाजार में ले जाने के लिए कपड़ा बुनने के लिए जल्दी उठ गई, लेकिन जब वो करघे पर बैठकर बुनाई कर रही थी तो धागा उलझकर टूट गया। स्कारलेट ने फिर उसकी बेल्ट को करघे से बांध दिया और ध्यान से एक एक करके धागे को फिर से जोड़ा। उसी समय उसकी बहन जाग गई और उसने पाया कि उसका चेहरा धोने के लिए पानी नहीं था और नाश्ता भी तैयार नहीं था। स्कारलेट, तुम कहाँ हो? क्या समय हुआ है? तुम अभी तक मेरे लिए मुंह धोने के लिए पानी क्यों नहीं लाई और नाश्ता क्यों नहीं बनाया? अपनी बहन का आदेश सुनकर स्कारलेट उसका चेहरा धोने के लिए पानी भरने जल्दी से कुएं के पास गई। एक मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। उस वक्त गलती से उसके बेल्ट पर लगा हुआ शटल कुएं में गिर गया और डूब गया, इसीलिए वो उसे उठा नहीं पाई। उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत डांटा जब उन्हें इसके बारे में पता चला। उन्होंने उसे निकालने के लिए उसे कुएं में डुबकी लगाने के लिए भी मजबूर किया। हे भगवान, हमारे पास उस शटल के अलावा कुछ भी कीमती नहीं है, लेकिन अब तुमने उसे कुएं में गिरा दिया है। अब तुम कपड़े कैसे बुन पाओगी? तुम कितनी बेकार हो। शटल खोजने के लिए जल्दी से कुएं में कूदो, नहीं तो तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन माँ, मैं इतने गहरे कुएं में शटल को कैसे ढूंढ सकती हूँ? मेरी बातों को मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी करो और शटल को खोजने के लिए नीचे उतरो। स्कारलेट बहुत डरी हुई थी, लेकिन अपनी सौतेली माँ की धमकी के कारण उसके पास शटल खोजने के लिए कुएं में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने नीचे उतरने के लिए मार्गरेट को रस्सी पकड़े रहने के लिए कहा। कुआं गहरा था। जब स्कारलेट कुएं में नीचे उतरने लगी तो मार्गरेट ने अपनी बहन के लिए रस्सी पकड़ ली। थोड़ी देर बाद उसे थकान महसूस हुई, इसीलिए उसने रस्सी को छोड़ दिया। तभी रस्सी नीचे खिसक गई, जिससे स्कारलेट कुएं में गहराई तक डूब गई। स्कारलेट ने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन जब मार्गरेट ने देखा कि वो डूबने वाली है तो उसने जानबूझकर ना सुनने का नाटक किया और घर चली गई। स्कारलेट तब संघर्ष कर रही थी और धीरे धीरे डूब रही थी, लेकिन हैरानी की बात थी कि जब पानी उसके सिर के ऊपर तक पहुंच गया तो उसके पैर जमीन से छू गए। जब स्कारलेट उलझन में थी कि वहां क्या है, तो उसने एक गुफा देखी। गुफा की ओर जाने वाली सड़क के दोनों किनारे सुनहरे और चांदी के फलों वाले सेब के पेड़ों से भरा हुआ था। स्कारलेट पेड़ों के साथ चलती रही और गुफा में गहराई तक चली गई। उसने शटल को खोजने की कोशिश की, लेकिन फिर वो उसे कहीं नहीं दिखा। वो जितने आगे गई गुफा उतनी ही चौड़ी होती चली गई। अचानक उसे छोटा मिट्टी का घर दिखाई दिया। तुम कहां से आई हो? तुम यहां क्या ढूंढ रही हो? दादी माँ, मैंने गलती से शटल यहाँ गिरा दिया था, इसलिए मेरी सौतेली माँ ने मुझे उसे खोजने के लिए नीचे कूदने के लिए कहा। अगर मुझे ये नहीं मिला तो वो मुझे खाना नहीं देंगी। क्या आपने मेरे शटल को यहाँ गिरते हुए देखा? मैंने यहाँ कोई शटल गिरते हुए नहीं देखा। अगर मुझे वो नहीं मिला तो मेरी सौतेली माँ मुझे बाजार ले जाएगी और मुझे फटे कपड़े की तरह बेच देगी। दादी माँ, अच्छा बच्चे, रो मत, मेरे साथ यहाँ रहो, मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें एक और शटल इनाम में दूंगी।
स्कारलेट ने रोना बंद कर दिया और महिला के साथ रहने को तैयार हो गई। उस रात स्कारलेट ने बूढ़ी औरत के साथ एक बहुत ही आरामदायक रात का भोजन किया और फिर वो दोनों सोने के लिए पत्थर के पास गए। अगली सुबह जब स्कारलेट उठी तो बूढ़ी औरत कहीं नहीं दिखी। उसने केवल ओवन में ब्रेड रखी देखी। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी जब वो उसे नहीं दिखी, इसीलिए स्कारलेट घर की सफाई करने लगी। घर की सफाई करते समय स्कारलेट ने अचानक ओवन में ब्रेड को मदद के लिए पुकारते हुए सुना, दादी कृपया हमें ओवन से बाहर निकालें, हम जलने वाले हैं। हालांकि स्कारलेट को बहुत आश्चर्य हुआ, फिर भी उसने ब्रेड निकाल कर एक ट्रे पर रख दी। हालांकि गर्मा गर्म ब्रेड से इतनी अच्छी महक आ रही थी कि स्कारलेट को भूख लगने लगी। फिर भी उसने बूढ़ी औरत का इंतजार किया उसके साथ खाने के लिए। घर की सफाई करने के बाद स्कारलेट सूखे पत्तों को झाड़ू से हटाने के लिए बगीचे में गई। सफाई करते समय पेड़ों पर लगी नाशपाती ने स्कारलेट से बात की, दीदी कृपया हमें नीचे उतार लो, हम पेड़ पर लगभग पक चुके हैं। स्कारलेट ने नाशपाती को तोड़ लिया, उन्हें एक टोकरी में रखा और उन्हें घर ले आई। रसीली नाशपाती को देखकर उसे और भूख लगने लगी, लेकिन उसने फिर भी बूढ़ी औरत के साथ खाने का इंतजार करने का फैसला किया। एक सप्ताह तक बूढ़ी औरत के साथ खुशी खुशी रहने के बाद स्कारलेट को घर की याद आ रही थी, इसीलिए उसने घर जाने के लिए कहा, ये तुम्हारी दया और कड़ी मेहनत का इनाम है। बस सीधे गुफा के प्रवेश द्वार पर जाओ और तुम्हें घर का रास्ता मिल जाएगा। जब तुम जंगल से गुजरोगी तो तुम्हें हरे फल दिखाई देंगे, तो उसे मत चुनना, पके फल भी मत खाना, गिरे हुए फलों को उठा लेना और अपने साथ वापस ले जाना, चमत्कार होंगे। स्कारलेट ने गुफा के प्रवेश द्वार पर जाने के लिए बूढ़ी औरत के निर्देशों का पालन किया। वो जितनी आगे बढ़ती गई, रास्ता उतना ही जाना पहचाना होता गया। वो खुशी खुशी चलती रही। जब उसने सड़क के दोनों ओर पेड़ देखे तो वो गिरे हुए फल को लेने के लिए झुकी और अपनी जेब में रख लिया। गुफा के प्रवेश द्वार पर स्कारलेट ने देखा कि उसके सिर के ऊपर का पानी एक लंबी सीढ़ी में बदल गया जो उसे कुएं से ऊपर ला रहा है। कुएं से बाहर निकलते ही स्कारलेट अचानक बहुत खूबसूरत हो गई। उसके थैले में गिरे हुए फल चमचमाते सोने के जार में बदल गए। सौतेली माँ और बहन उससे इस नएपन के बारे में पूछने आईं। स्कारलेट ने ईमानदारी से उन्हें पूरी कहानी बता दी। कहानी सुनने के बाद दोनों लालची हो गए। सौतेली माँ ने मार्गरेट को कुएं में एक शटल फेंकने का आदेश दिया, रोने का नाटक किया और फिर उसे खोजने के लिए नीचे कूद गई। जब वो वहाँ पहुँची तो मार्गरेट ने भी प्रवेश द्वार के साथ एक गुफा देखी जिसमें सोने और चांदी के फलों से भरे पेड़ों की दो पंक्तियाँ थी। केवल इन फलों को चुनना ही समृद्ध जीवन जीने के लिए काफी है, लेकिन स्कारलेट एक हफ्ते तक बूढ़ी औरत के घर रही थी और वो न केवल अमीर बल्कि खूबसूरत भी होकर लौटी। मैं भी सुंदर बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे सबसे पहले उस बूढ़ी औरत को ढूंढना होगा। वो गुफा में गहराई तक गई और उस घर को भी देखा जहाँ बूढ़ी औरत रहती थी। जब उसने बूढ़ी औरत को देखा तो रोने का नाटक किया। बूढ़ी औरत ने उसे दिलासा दिया और मार्गरेट को वहाँ रहने के लिए आमंत्रित किया, जैसे उसने स्कारलेट के साथ किया था। मार्गरेट तुरंत सहमत हो गई और घर में उसके पीछे चल दी। लेकिन क्योंकि वो आलसी थी, इसीलिए वो सारा दिन सोती रही और बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। एक दिन जब वो गहरी नींद में सो रही थी, उसने अचानक ओवन में ब्रेड को मदद के लिए पुकारते सुना। मार्गरेट देखने गई और पता चला कि ब्रेड मदद के लिए पुकार रही है। उसने इसकी परवाह नहीं की, बस एक खाने के लिए निकाल ली और बाकी को जलने के लिए छोड़ दिया। खाने के बाद वह टहलने के लिए बगीचे में गई और पेड़ पर लगी नाशपाती को कहते सुना। ये सुनकर उसने परवाह नहीं करी और अपनी प्यास बुझाने के लिए केवल एक नाशपाती ली, बाकी नाशपाती को छोड़ दिया। एक हफ्ते से भी कम समय के लिए बूढ़ी औरत के साथ रहने के बाद वो ऊब गई और लौटने पर जोर दिया। बूढ़ी औरत मान गई और उसने उसे एक सुनहरा शटल दिया और वही निर्देश दिए जो उसकी बहन को दिए थे। उसने शटल लिया, जल्दी से बूढ़ी औरत को अलविदा कहा और चली गई। महिला ने निराशा में सिर हिलाया और गायब हो गई। मार्गरेट तेजी से गुफा के द्वार पर चली गई। चलते चलते उसे खुशी हुई क्योंकि वो अमीर होने वाली थी। सोने चांदी के फलों के पेड़ों के पास से गुजरते हुए वो बूढ़ी औरत की बातें भूल गई। उसने गिरे हुए फलों को उठाया और लालच से उन फलों को भी उठा लिया जो अभी भी पेड़ पर थे। जब वो गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंची, तो उसे जमीन पर ले जाने के लिए पानी की सीढ़ी दिखाई दी, लेकिन
हैरानी की बात थी कि कुएं से बाहर निकलते ही मार्गरेट अचानक गंदी त्वचा वाली एक बदसूरत लड़की में बदल गई। उसके द्वारा चुने गए फल बहुत सारे सांपों में बदल गए और सोने की शटल एक बदसूरत लकड़ी वाली शटल में बदल गई। जब मार्गरेट और उसकी माँ सड़क पर निकले तो हर कोई कानाफूसी कर रहा था और उनके बारे में बातें बना रहा था। क्योंकि वे बहुत शर्मिंदा थी इसीलिए उन्होंने अपना सामान बांधा और वहाँ से चल दिए। जहाँ तक स्कारलेट की बात है, सुनहरे शटल के बाद से वह दुर्लभ और सुंदर कपड़े सिल सकती थी। वो कपड़े बेचने के लिए बाजार में ले जाती। सोने के जार में पैसे के साथ उसने अपनी खुद की कपड़ों की दुकान खोल ली और जल्द ही बहुत अमीर हो गई। तब से वो हमेशा के लिए खुशी से रहने लगी।